कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य कर रहा है और पॉजिटिव मरीजों को बेहतर उपचार के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा रहा है। जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम दो पालियों में 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसके लिए दोनों पालियों में 40-40 कर्मचारी कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि 40 लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने वाले कर्मचारी जितनी भी पॉजिटिव मरीज हैं उनसे फोन करके वार्ता करते हैं तथा उनके समस्याओं को जानते हैं एवं वह लोग जो पिछले कुछ दिनों में किन किन लोगों से संपर्क में आए हैं उसके बाद संपर्क में आए हुए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव आए हुए लोगों के घर पर आरआरटी टीम जाकर मेडिसिन किट का वितरण करती है। उन्होंने बताया कि 30 कर्मचारी होम आइसोलेशन रह रहे लोगों के घर जाकर उनका हालचाल एवं मेडिसिन किट पहुंचा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 20 ऑपरेटर कोविड कंट्रोल रूम में मरीजों की फीडिंग का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, और तो ज्यादा खेती बाड़ी बन रही है ना, तीन महीने ठीक है जी। अर्पिता, ये इन लोगों की उम्र कितनी होगी? ठीक है, गोरखपुर आ गए हैं। गोरखपुर में आप आ गए हैं, फिर से आप वापस चले जाइए, वापस जाके और कौन वहाँ जाइए जाके आपको दवाई हम नोट करवा दे रहे हैं और नोट करवा। अच्छा अच्छा, तो आप उनके अगल बगल रहते हैं? अच्छा, जरा अपना भी आप लोग डिटेल बता दीजिए। आज आज या कल आपको ठीक है, आप इसको मत अलग मैटर है, पुलिस थाना और जो भी मैटर है उसको आप सुलझा लीजिए, लेकिन इस मैटर पर आप क्या करिए, आप उनको आइसोलेशन में रखिए, घर के अंदर रखिए और ले जाके घर के अंदर रखिए। 14 दिन तक घर के अंदर खाना पीना सब अपना आइसोलेशन में रखिए, फिर 14 दिन घर के अंदर ही रखिए, 28 दिनों तक उनको रखना है। और दवाई जरूर दीजिए, ठीक है, सारे लोग उनसे दूर रखिए। अब ओटीपी डाल दिया आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप अब किसी तरह कर लेंगे। उत्तर प्रदेश Thank you.
सर कंट्रोल रूम किस तरह कार्य कर रहा है, किस तरह कितने वक्त? कंट्रोल रूम अच्छे से काम कर रहा है। कंट्रोल रूम में 40 लोग कॉन्ट्रैक्ट में हर पाली में रहते हैं। सुबह के पाली 6 बजे से लेकर 2 बजे तक रहती है। 40 लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जितने भी टेस्टिंग सेंटर पे पॉजिटिव पाए जाते हैं उनसे फ़ोन करके पूछा जाता है कि आप किन किन लोगों के संपर्क में पिछले दिनों आए हैं, और फिर उन लोगों की टेस्टिंग कराई जाती है। और RRT टीम पॉजिटिव लोगों को घर में जाके उनकी किट प्रोवाइड कर रही है। इसी प्रकार से 30 लोग आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके किट पहुंचाना, उनसे उनके हाल चाल पूछने के लिए लगी हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जितने भी लोग पता लगते हैं उनकी फीडिंग की जाती है। RRT टीम उनको घर में जाके उनकी दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं। तो कंट्रोल रूम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 20 ऑपरेटर लगे हैं जो फीडिंग का काम कर रहे हैं।